नमस्कार सर, आपका YouTube चैनल में स्वागत है आपका। सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम लोग। सर हम लोग का ये क्वेश्चन था कि इतना बड़ा आयोजन कराया जा रहा है पहली बार रायपुर में, तो किस प्रकार का कार्यक्रम का शेड्यूल रहेगा और कौन से तारीख को महाराज जी पधार रहे हैं रायपुर में? कार्यक्रम का जो शेड्यूल है, जैसा कथा का जो टाइमिंग रहेगा 1 से 4 बजे तक रहेगा, और 20 से 21 तारीख 2 दिनों का दिव्य दरबार रहेगा महाराज जी का, जिसका समय सीमा 9 से 11 रखी गई है, 2 घंटे की। ठीक सर, दिव्य दरबार का समय रहेगा, बाकी कथा का समय एडिटिव रहेगा 1 से 4 बजे तक। 1 से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। और महाराज जी का आगमन कब हो रहा है? महाराज जी का आगमन 17 तारीख को सुबह सुबह हो सकता है, और हो सकता है ये शाम को भी 16 तारीख को शाम को पधार सकते हैं सर। और यहाँ पास इतना बड़ा पंडाल है तो इसमें मतलब ज़्यादा पब्लिक आ जाता है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं श्रद्धालु, तो कैसा मैनेजमेंट का क्या व्यवस्था किया गया है? जैसा कि अभी यहाँ पिछले कुछ महीनों पहले ही बहुत बड़ा आयोजन हुआ प्रदीप मिश्रा जी का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जान सभी नगरवासी जानते हैं, तो पिछली बार एक छोटी सी जो हमने महसूस किया कि पिछली बार जो सुविधा दी गई थी श्रद्धालुओं को कि पंडाल में ही वो रात में आते थे, कथा सुनने के बाद पंडाल में ही रुक जाते थे, और दूसरे दिन जो जनसंख्या आ रही है श्रद्धालुओं की, क्योंकि जो पंडाल में रुके हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेते थे, तो इस बार हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पंडाल में किसी को भी रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था नहीं। ठीक है, मतलब रुकने खाने की व्यवस्था वो अपने स्वयं से कर सकते हैं, बाकी आप कथा सुनने का टाइमिंग उस टाइम में ही आएंगे लोग। कथा सुनिए और आप जाइए। अच्छा सर, तैयारी कितना दिन से कर रहे हैं इतना बड़ा पंडाल को बनाने में? कहाँ से आए हैं आर्टिस्ट लोग? अब ये सब नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। कोई बात, 5-6 दिनों से चल रही है जो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पे है, कल परसों तक में तैयार हो जाएगा। जब प्रदीप मिश्रा का हुआ था यहाँ पर 10 लाख आदमी आ गया, इस बार कितना? क्योंकि श्रद्धालु हो सकता है, परिवार में 4 लोग हैं, परिवार में 10 लोग हैं, परिवार में 2 लोग आते हैं, तो परिवार समेत आते हैं, तो ये काउंटिंग नहीं बता सकते हैं, इतना जरूर कह सकते हैं 1 लाख के आसपास। अब मिश्रा जी जो सिंगल आयोजक है बड़े आयोजन का, उसका धन्यवाद, उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया हम सबको कि महाराज जी के मुख से हम ये इस कथा का श्रवण कर सकें, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, कितने दिन तक रहेगा सर श्रीराम कथा? श्रीराम कथा जैसे मैंने आपको कहा 17 से 23 जनवरी तक। सर जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार की जो प्रसिद्धि है अभी लोगों से छुपी नहीं है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब बाहर से भी आएंगे लोग, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाहर से भी लोग बहुत लोग आएंगे ऐसा है। बाहर से लोग आएंगे, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि पिछला जो इतना बड़ा आयोजन हुआ मिश्रा जी का, उसमें जो थोड़ी सी जैसे कि छोटी मोटी त्रुटियां तो हर बड़े आयोजन में होती है, और आदमी नेक्स्ट टाइम जब उसको करता है तो कोशिश करता है कि उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक, तो कोशिश हमारी पूरी है, प्रशासन भी उसको पूरा सहयोग कर रहा है, उम्मीद है कि उस प्रकार की घटनाएं पर नहीं होगी। और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक रुकने की व्यवस्था पीछे की गई है, वही पूछ रहे थे सर, जो सिर्फ बाहर से आएंगे और जो आसक्त हैं या जो चल फिर नहीं सकते या उनके लिए रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था पीछे की गई है सर। और इतना बड़ा मतलब ये आयोजन हो रहा है तो उसमें मुख्यमंत्री जी का भी आना तो हो सकता है? बिल्कुल आएंगे ना, ये पूछना। धन्यवाद सर इतना बढ़िया जानकारी देने के लिए, और सभी हम भी चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है बहुत सफल तरीके से हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग इसमें जरूरी है, और बालाजी सरकार की बालाजी कृपा से बिल्कुल सफल हो गई। धन्यवाद, जय श्री राम।